सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज से हम रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस एमसीक्यू को शुरू करने वाले हैं और यहां से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कुछ हमारा छूट गया था कॉन्सेप्चुअल पार्ट में, यहां पे हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिसका आंसर आपको लगता है कि हाँ, इसका आंसर लॉजिकली आपको लगता है कि ये होगा, तो आप उसका आंसर भी साथ ही साथ दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शोध ग्रंथ लेखन की विधि होनी चाहिए। हम जो अपनी रिसर्च थीसिस लिखते हैं, रिसर्च डिसर्टेशन लिखते हैं, उसका क्या मेथड होना चाहिए? वैज्ञानिक मेथड होना चाहिए, सौंदर्य बोध युक्त एवं आकर्षक होना चाहिए, व्यक्तिगत या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने ये देखा है कि रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च थीसिस कैसे लिखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर लॉजिकली आप देखो, सौंदर्य बोध युक्त एवं आकर्षक, अट्रैक्टिव करने वाला होना चाहिए। या विधि कौन सी होनी चाहिए, विधि की बात हो रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वैज्ञानिक, उसकी विधि वैज्ञानिक होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक विधि क्या होती है, रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टम के थ्रू हम जाएंगे, तो वही वैज्ञानिक विधि है। अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में गुण होना अनिवार्य है। आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अपने रिसर्च आपने कंप्लीट कर दी है और आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, आपके अंदर कौन से कौशल या गुण होने चाहिए? कौशलात्मक दक्षताएं, यानी आपके पास स्किल होनी चाहिए, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका होना चाहिए, धैर्यपूर्वक मानसिक संतुलन। और लॉजिकली आप इसका आंसर दे सकते हैं, बताइए लॉजिकली आप, आपको क्या इसका करेक्ट आंसर लग रहा है? ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपनी थीसिस जब आप लिखते हैं, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, या फिर साइंटिफिक आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक विधि क्या है किसी रिपोर्ट लिखने की, जो हम यहाँ पे वैज्ञानिक पहले ही देख चुके हैं। धैर्यपूर्वक मानसिक संतुलन, यानी जो भी आप अपना कंक्लूजन लिखते हैं वो मानसिक संतुलन के आधार पर लिखेंगे, वहां पे अपने जो आपका पूर्व धारणाएं हैं उसको बिल्कुल अलग करके धैर्यपूर्वक लिखेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अनुसंधान पेपर लेखन से लाभ है, आप रिसर्च पेपर जो लिखते हैं उसके क्या फायदे हैं? शोध संबंधी विचार विनियमीकरण, शोध उपागमों से विचार, वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता। देखिए, जो रिसर्च पेपर आप लिखते हैं, डेफिनेटली जो आपकी रिसर्च से संबंधित विचार होते हैं उसको आप क्या करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं, ऑप्शन ए तो होगा। शोध उपागमों से विचार, यानी हम रिसर्च पेपर से जो हमारी अप्रोचेज होती है उसके माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, यानी रिसर्च अप्रोचेस के माध्यम से विचार हम व्यक्त करते हैं, ये भी सही है, दो सही है, दैट्स मीन ऑप्शन डी होगा। और वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता भी उससे बढ़ती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुसंधान पेपर के प्रशासन की अनिवार्यता है। देखिए, अनुसंधान यानी रिसर्च पेपर जो आप प्रकाशन करते हैं, उसका उसे आप पब्लिश करते हैं, उसकी उसमें कंपल्सरी क्या है, अनिवार्यता उसमें क्या है? केवल विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, यानी रिसर्च पेपर प्रकाशित करना काम केवल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही उसे पब्लिश करेंगे, उनके लिए अनिवार्यता है, समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए, यानी जितने भी टीचर हैं हाई लेवल के, या फिर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उपरोक्त में से कह नहीं सकते हैं, उपरोक्त में से कह नहीं सकते। देखिए, रिसर्च ये जो आपकी यूजीसी है या फिर आपकी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन है, उसमें एक चीज ये कंपलसरी है कि आपसे ये उम्मीद रखता है यूजीसी, या फिर आप जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट से भी शिक्षा मंत्रालय हुआ है, कि समस्त उच्च स्तरीय शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन के कार्य में आए और अपना योगदान समाज के लिए दें। अभी पीछे ये कंपलसरी भी क्या था, यूनिवर्सिटी के टीचर्स के लिए, ऑप्शन सी होगा, ये लगभग सभी के लिए
अनिवार्यता है। अनुसंधान पेपर लिखने की अनिवार्य से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अब देखिए यूजीसी ने यह कंपलसरी कर दिया है कि आपको रिसर्च पेपर लिखना ही होगा, आपको साल के अंदर रिसर्च पेपर लिखना ही होगा। यानी रिसर्च पेपर की जो ये कंपलसरी कर दिया है टीचर्स के लिए, उसे एक खराब स्थिति कौन सी उत्पन्न हुई है, विद्रूप स्थिति यानी खराब स्थिति कौन सी उत्पन्न हुई है, या फिर उसे एक अलग सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर में रुचि नहीं रखता है, प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लिखने की वांछनीय योग्यताएं नहीं होती, यानी उन्हें नहीं पता है कि कैसे रिसर्च पेपर हम लिखेंगे, प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यानी अगर हम ये सोचेंगे कि सारा टीचर, जितने भी टीचर है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं या फिर साइंटिफिक एप्टीट्यूड के हैं, तो वो सही नहीं होगा। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है, इनमें से सारे कथन सत्य है, तो बिल्कुल। अब देखिए ये जो कंपलसरी किया है हायर एजुकेशन में किया है, हायर एजुकेशन यानी कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं, ठीक है, तो सभी की रुचि इसमें नहीं है, कंपलसरी कर दिया है, तो वो क्या है, जाली पेपर छपवा देते हैं, पैसे दे के पेपर छपवा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सारे टीचर में लेखन की वांछनीय योग्यताएं होगी, और प्रत्येक शिक्षक वैज्ञानिक अभिवृत्ति से ही काम करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। यानी कूड़ा, जिसे हम कह सकते हैं, रिसर्च के अंदर कूड़ा इसकी वजह से आने लगा है, और बिके हुए जर्नल काफी से आए हैं, दैट्स मीन ये सभी कथन यहाँ पे सही हो सकते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है, रिसर्च पेपर का क्या लाभ नहीं है? लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान का परिमार्जन, अनुसंधान निष्कर्षों की व्यापक आलोचना हेतु प्रस्तुति, व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा लाभ नहीं है, रिसर्च पेपर का कौन सा लाभ नहीं है? और इसका यहां पे आप देखोगे, जो हम अनुसंधान निष्कर्ष लिखते हैं वो बेसिकली हम क्रिटिकली लिखते हैं, आलोचना हम डेफिनेटली करते हैं कि पहले जो हमारे से पहले रिसर्च हुई थी उसमें ये कमियां थी, दैट्स मीन हम वहां पे कमियों को बताएंगे, यानी पहले की जो हमारी रिसर्च हुई थी उसके अंदर ये कमियां थी, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे लग सकता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो विशेषता है, हम जो भी रिसर्च पेपर लिखते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये भी इसका सही है, ये भी नहीं होगा। अब ये नहीं है तो ऑप्शन डी या सी कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप पर्सनल हित के लिए कोई भी पेपर नहीं लिखते हैं, कोई भी रिसर्च पेपर नहीं लिखते हैं, आप जो भी रिसर्च करते हैं वो समाज के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर आपने जिससे रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है उसके लिए करते हैं, तो व्यक्तिगत हित के लिए कोई भी आप रिसर्च पेपर नहीं लिखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ये इसका लाभ नहीं है। अनुसंधान पत्रों के लेखन की विधा में न्यूनाधिक परिवर्तन होते हैं, जो हम रिसर्च पेपर लिखते हैं उसकी लिखने की जो विधि है, लिखने का जो मेथड है, उसमें कम परिवर्तन होते हैं, उसमें कम परिवर्तन होते हैं, लगभग एक जैसा स्ट्रक्चर सभी का होता है, उसका कारण क्या है? शोध पत्रिकाओं के अपने मापदंड के अनुरूप, शोध करने वाले विद्वान की रुचियों के अनुकूल, शोध की परंपराओं के अनुकूल, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका देखिए, हम पहले ही देख चुके हैं, रिसर्च पेपर का पहला ही क्वेश्चन हमने देख दिया था, वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है, और यहां पे वैज्ञानिक विधि की कहीं बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए रिसर्च पेपर की जो विधा होती है वो साइंटिफिक होती है, वो पहले से ही डिसाइड है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाएंगे, उसके स्टेप भी पहले से ही डिसाइड है, दैट्स मीन वो साइंटिफिक होती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। शोध पत्रिकाओं के अपने मानदंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें भी साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और अपनी रुचियों के अनुसार कोई पेपर नहीं लिख सकता है, और परंपरा यहाँ पे नहीं चलती, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम पेपर नहीं लिखते हैं, हम रिसर्च कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के थ्रू, साइंटिफिक विधि के थ्रू, ऑप्शन डी इसका होगा। अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्त परिवर्तन
प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। यहां पर सौंदर्य बोध से क्या अभिप्राय है? देखिए, रिसर्च एक क्रिएटिव प्रोसेस है। रिसर्च एक, इसमें क्रिएटिविटी होती है आपकी, आपकी सृजनात्मकता इसमें होती है, ठीक है। तो अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया है, जहां पर सौंदर्य बोध से क्या अभिप्राय होगा? अनुसंधान के बाह्य स्वरूप की सुंदरता, यानी बाहर से अच्छी दिखनी चाहिए, तड़क भड़क। अनुसंधान की विषय वस्तु की गुणवत्ता, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए, सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया का मतलब होता है अनुसंधान में जो हम शोध मूल्यों की प्राप्ति करते हैं, शोध मूल्य कैसे होते हैं, वो डेफिनेटली सौंदर्य बोधक उन्हें कहा जाता है। अगर आप शोध के वैल्यूज के थ्रू चलोगे तो वो बहुत ही अच्छी एक सौंदर्यपूर्ण आपकी रचना मानी जाएगी, आपकी रिसर्च मानी जाएगी, अगर आप शोध के नियमों के मूल्यों के अनुकूल चलोगे, जो भी शोध में कहा गया है, या फिर जो भी शोध के रिसर्च के साइंटिफिक पैरामीटर डिसाइड है, तो वो सौंदर्य युक्त मानी जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है, जो एक रिसर्चर होता है उसके वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक का स्थानांतरण होता है, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले शोध कार्य में केवल शब्द है यहां पे, मतलब जो उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है, उसके गुण होते हैं, उसकी वैल्यूज होती है, वो रिसर्च पेपर में भी देखी जा सकती है, ये यहां पे कहा जा रहा है। उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में जितने भी कार्य वो करता है, हर जगह उसकी वैल्यू जा जाती है। दैट्स मीन ये यहां पे कहने का मतलब है, यानी ये शोध कार्य में नहीं, जितने भी कार्य करता है उसमें उसके मूल्यों और गुणों का स्थानांतरण हो जाता है। अब समस्त कार्य कौन से? वो रिसर्च क्वेश्चन, उसमें भी उसकी वैल्यू जा सकती है। वो एनालिसिस कर रहा है, वहां पे भी वैल्यूज आ सकती है। रिपोर्ट लेखन में भी कहीं ना कहीं उसके पर्सनल वैल्यूज आ सकती है। ऑप्शन सी, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले व्यावसायिक कार्यों में केवल, ओनली केवल, क्या व्यावसायिक कार्यों में ही, या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, यहां पे केवल लिखा है, तो पर्सनल वैल्यू आपकी सोसाइटी में भी आ सकती है, आपकी व्यवसाय में भी आ सकती है। दैट्स मीन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। और ये किस चीज के यहां पे बात कर रहे हैं, आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला था दो प्रकार के रिसर्च की हमने बात की थी, कौन सी थी आपको? इंपिरिकल और उत्तर, जो अनुभववाद हमने पढ़ा था, अनुभववाद और उत्तर अनुभववाद। तो यहां पे अनुभववाद की बात की जा रही है, इंपिरिकल रिसर्च की बात की जा रही है, जो साइंस बनाना चाहता था, वैल्यू फ्री बनाना चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यूज उसकी लगभग हर क्षेत्र में आ जाती है। अनुसंधान की एथिक्स संबंध नहीं है, तो रिसर्च एथिक्स हमने पढ़े थे, रिसर्च एथिक्स किससे संबंधित नहीं है वो आपको बताने हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ से, वैज्ञानिक विधि से, विश्वसनीयता से, या मानवीयता से। अब देखिए, स्वार्थ शब्द यहां पर नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। देखिए, हमारे जितने भी रिसर्च एथिक्स होते हैं वो वैज्ञानिक विधि के ऊपर आधारित होते हैं, कि हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाना है, हमने अपने वहां पे जो अपनी पूर्व धारणाएं वहां नहीं झोंकनी है, वहां पे क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मानवीयता होनी चाहिए, यानी हम अमानवीय कार्य नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए, ये रिसर्च एथिक्स से संबंधित नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ। अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन क्या है? रिसर्च के विषय में गलत कथन क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है, रिसर्च जो है वो स्कॉलर बनने के लिए, या फिर वो जो डिग्री लेने के लिए किया जाता है, रिसर्च क्या डिग्री लेने के लिए की जाती है? कहीं नेगेटिविटी आपको लग रही है? बिल्कुल। अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए, कि वर्ल्ड लेवल का रिसर्चर है, क्या ख्याति प्राप्त करने के लिए की जाती है रिसर्च? यहां पे गलत आपको त्रुटिपूर्ण कथन आपको बताना है। अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त में से सभी पद
त्रुटिपूर्ण है। हाँ, ये भी गलत है। एक्चुअल में अनुसंधान का मतलब क्या होता है? री प्लस सर्च। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, रिसर्च और इन्वेंशन दोनों अलग चीजें हैं। रिसर्च का मतलब होता है जिसके ऊपर पहले से काम हुआ है उस पर दोबारा काम करना, रिसर्च करना, दोबारा सर्च करना। तो आविष्कार का मतलब तो यहां पे इन्वेंशन हो गया, तो रिसर्च इन्वेंशन भी नहीं है। दैट्स मीन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आविष्कार के लिए नहीं। जो भी हमारे तथ्य होते हैं उसके सत्यापन के लिए हम रिसर्च करते हैं। यदि एक अनुसंधानकर्ता यानी एक रिसर्चर किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान को कहा जाएगा। अब पूर्वाग्रह मैंने आपको बताया था, एक रिसर्चर है उसके पूर्वाग्रह है, फॉर एग्जाम्पल वो मुस्लिम समाज की स्टडी कर रहा है और उसका पूर्वाग्रह है कि मुस्लिम समाज ये अच्छे लोग नहीं है, उसका ये पूर्वाग्रह है, या फिर उनकी जो पूजा पद्धति है वो अच्छी नहीं है, ये नमाज वगैरह अच्छी नहीं है, वो अपने दिमाग में अगर ऐसी चीजें सेट करके बैठा है, उसके पूर्वाग्रह है, तो डेफिनेटली उसकी रिसर्च कैसी होगी? मूल्यपरक अनुसंधान, दूषित अनुसंधान, अनुचित अनुसंधान, पूर्वाग्रही अनुसंधान। और इसका करेक्ट आंसर होगा दूषित अनुसंधान। यानी अगर पूर्वाग्रह आपकी रिसर्च में आ जाते हैं तो आपकी रिसर्च भी दूषित हो जाएगी, पूर्वाग्रह से भरी हुई हो जाएगी, आपकी साइंटिफिक रिसर्च वो कभी नहीं मानी जाएगी। दैट्स मीन आपको पूर्वाग्रह नहीं रखने हैं, तो अदरवाइज आपकी रिसर्च क्या है वो खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। पूर्वाग्रही अनुसंधान जैसी चीजें होती नहीं है, पूर्वाग्रही अनुसंधान ये शब्दावली यूज नहीं होती है। अनुचित, अनुचित तो नहीं है, उसने उचित किया था अपने हिसाब से, पूर्वाग्रहों के हिसाब से उचित किया था, अनुचित नहीं होगा। मूल्यपरक अनुसंधान नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू एडेड अनुसंधान इसे नहीं कहेंगे, इसे हम गंदा या दूषित अनुसंधान ही कहेंगे। बेस्ट शब्द इसके लिए दूषित अनुसंधान ही होगा। अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण क्या है? एक जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर का बेस्ट गुण क्या है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये हम देख चुके हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर। उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, नई चीजों को खोज करने की जिज्ञासा, सशक्त कल्पनाशीलता, यानी वो हाइपोथेटिकल होना चाहिए या फिर कल्पना इमेजिनेशन की पावर्स के पास होनी चाहिए, योग्यता। और अब देखिए यहां पे, या ऑप्शन डी, लेकिन यहां पे पूछा है सर्वोच्च गुण, सर्वोच्च गुण, तो सर्वोच्च गुण एक हो सकता है। अगर यहां पे पूछा होता अनुसंधानकर्ता के गुण क्या है, सर्वोच्च यहां पे नहीं पूछा होता, गुण पूछा होता, एक गुण पूछा होता, लेकिन सर्वोच्च गुण क्या है, ये है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जिज्ञासा सबसे, जिज्ञासा ही आपके ज्ञान की जननी कही जाती है। अगर यहां पे होता कि अनुसंधानकर्ता के गुण क्या है तो ये सारे गुण ऑप्शन डी होता, बट सर्वोच्च यहां पे पूछा है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, समस्या का चयन आधार है, समस्या का चयन आधार है। देखिए, जो आप रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं, रिसर्च टॉपिक आप जो लेते हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसे प्रॉब्लम कहा जाता है, समस्या। तो समस्या का चयन आधार क्या है, किन आधारों पे आप समस्या का चयन करते हैं? दो परस्पर विरोधी अनुभव, अनुसंधान के बाद दिए गए सुझाव, विषय विशेषज्ञों से परामर्श, या इनमें से सभी। आप रिसर्च टॉपिक का चयन कैसे करते हैं? देखिए, अगर आपको लगे कि दो परस्पर विरोधी विचार हैं, एक विचार ऊपर की ओर बोल रहा है, दूसरा विचार बोल रहा है कि जी रिसर्च जो है, रिसर्च के कंक्लूजन ये नीचे की ओर आ रहे हैं, यहां पे हमें ग्रोथ दिखाई देती है, यहां पे हमें डिक्लाइन दिखाई देती है, दैट्स मीन यहां पे अच्छी अभी तक स्टडी नहीं हुई है, यहां पे दो परस्पर विरोधी अनुभव है, यानी हमें इसे चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है। अनुसंधान के बाद जो सुझाव दिए जाते हैं
मैंने आपको अपने रिसर्च के अंदर भी बताया था जब आपको मैंने अपनी रिसर्च की कॉपी दिखाई थी। देखिए, जब अनुसंधान हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च का जो लास्ट चैप्टर होता है वो कंक्लूजन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कंक्लूजन एंड सजेशन। कंक्लूजन एंड सजेशन, तो कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर देते हैं, देखो जी मेरे ये कंक्लूजन आए हैं और आगे के रिसर्चर के लिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूं, अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं तो इन इन मुद्दों पे कर सकते हैं, तो हम इसके आधार पे भी अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं और हम अपने सुपरवाइजर से भी सलाह देते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आजकल प्राय अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित परंपरा प्रचलित है। आज के टाइम पे जो भी रिसर्च की जाती है उसमें एक परंपरा स्थापित हो गई है, प्रचलित हो गई है, वो कौन सी है? अनुसंधानकर्ता की योग्यता, रुचि आदि को बिना सोचे समझे पर्यवेक्षक उसे समस्या प्रदान कर देते हैं। यानी आपका जो गाइड है, आपका जो सुपरवाइजर है, आपके इंटरेस्ट के बिना ही आपके ऊपर टॉपिक थोप देता है, ऐसी बात यहां पे की जा रही है। आपके ऊपर टॉपिक थोपा जा सकता है या फिर आप चले जाते हैं सुपरवाइजर के पास, सर मुझे बताइए कि टॉपिक क्या क्या टॉपिक लूं मैं, आप अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, आप सीधा चले जाते हैं। और मैं बोलूं 90% केसेस में यही होता है, लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं क्या टॉपिक लूं, कैसे टॉपिक लूं। दैट्स मीन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करते हैं, अपनी रुचि के हिसाब से काम नहीं करते हैं, ज्यादातर गाइड उनके ऊपर टॉपिक थोप देते हैं, ऐसी बातें 90% केसेस में होती है। दैट्स मीन ये बिल्कुल सही है। अनुसंधानकर्ता स्वयं समस्या ढूंढने में अत्यधिक परिश्रम करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं, खुद वो समस्या को ढूंढते हैं, दैट्स मीन पहले वाला गलत हो जाएगा, लेकिन पहले वाला तो सही है, दैट्स मीन ऑप्शन बी यहां ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अनुसंधानों के शीर्षक में चरों की हेरा फेरी द्वारा नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। देखिए, जो रिसर्च होती है, रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल को अगर इधर उधर कर दिया जाए तो एक नए सिद्धांत का निर्माण आज के टाइम पे किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी चालाकी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखिए, चरों की हेरा फेरी कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं रिसर्च कर रहा था वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, वोटिंग बिहेवियर के ऊपर मैं स्टडी कर रहा था और मैंने दो चरों को यहां पे लिया। एक चर मैंने लिया कि मुझे देखना है लोगों की इकोनॉमी को, इकोनॉमी एक चर है कि लोग वोटिंग बिहेवियर क्या इकोनॉमी के आधार पे डिसाइड करते हैं। दूसरा मैंने ले लिया पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ये मेरे दो वेरिएबल थे, दो वेरिएबल के ऊपर मैंने रिसर्च की, ठीक है, वोटिंग बिहेवियर की स्टडी की। अब दूसरा आदमी क्या करेगा, चालाक आदमी क्या करेगा, वो चरों में हेर फेर कर देगा, वो रिसर्च वोटिंग बिहेवियर के ऊपर ही करेगा, वो इकोनॉमी की जगह यहां पे क्या ले लेगा, इकोनॉमी की जगह वो एजुकेशन ले लेगा कि लोगों का एजुकेशन लेवल कितना है। तो मेरा चर यहां पे इकोनॉमी था, दूसरे ने कॉपी करके एजुकेशन ले लिया। दैट्स मीन चरों के हेरा फेरी से डेफिनेटली यहां पे कंक्लूजन और सिद्धांतों का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, आपको धीरे धीरे समझ आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण किए जा चुके अनुसंधानों से समस्या चयन किस प्रकार होता है। जो रिसर्च कंप्लीट कर दी गई है, कंप्लीट की गई रिसर्च से हम टॉपिक कैसे ले सकते हैं, रिसर्च टॉपिक कैसे ले सकते हैं, हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कैसे कर सकते हैं जो कंप्लीट की जा चुकी रिसर्च है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं। अनुसंधान कराने वाले शिक्षक से जानकारी ग्रहण करना, यानी जो सुपरवाइजर है जिन्होंने पहले उसके ऊपर रिसर्च कराई है उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। अनुसंधानकर्ता से व्यापक जानकारी ग्रहण करके, यानी हम पकड़ेंगे उस रिसर्चर को, बताओ जी आपने क्या कैसे की रिसर्च, कैसे क्या किया। उक्त अनुसंधानों को संबंधित पुस्तकालय में जाकर पढ़कर, और ये हम देख चुके हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली आप बता पाओगे, डी तो इसका नहीं है क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर है, अवेलेबल है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। कैसे? देखिए, ये एक रिसर्च टॉपिक था वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, ये कंप्लीट किया जा चुका है, ये थीसिस लिखी जा चुकी है और पब्लिश हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, वोटिंग बिहेवियर के ऊपर जो ये थीसिस लिखी थी इसको हम देखेंगे और हम लाइब्रेरी में जाएंगे, इसमें जो जो रेफरेंस दिए थे
इसमें जो जो बिब्लियोग्राफी दी थी उनको हम पुस्तकालय में जाकर पढ़ेंगे कि अच्छा इसने यहां से ये पढ़ा था, यहां से ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इस तरीके से दैट्स मीन पूर्ण किए जा चुके जो अनुसंधान होते हैं वहां से भी हम समस्या का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, परस्पर विरोधी अनुभवों से समस्या उत्पन्न होती है। जो विरोधी अनुभव है, एक रिसर्चर को एक अनुभव हुआ, दूसरे को दो दूसरे प्रकार का अनुभव हुआ, दैट्स मीन ये यहां पे क्या है, परस्पर विरोधी विचार आ गए। एक ही चीज के ऊपर रिसर्च की थी, एक बोलता है नहीं जी 10 आदमी इससे प्रभावित है, दूसरा बोलता है नहीं जी इससे तो 5 ही आदमी प्रभावित है, दैट्स मीन परस्पर विरोधी विचार यहां पे आ गए। तो उससे परस्पर विरोधी अनुभवों से समस्या उत्पन्न कौन सी होती है, जब वे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, जब वे परस्पर समझौता करते हैं, जब वे संघर्ष उत्पन्न करते हैं, उपर्युक्त में से किसी भी स्थिति में नहीं, ऊपर लिखे गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब वो डायलेक्टिकल, जब वो द्वंद उत्पन्न करते हैं। अब ये बोल रहा है 5, ये बोल रहा है 10, अब ये एक प्रकार का द्वंद इनमें उत्पन्न हो गया, दैट्स समझौता तो नहीं होगा, समझौता क्यों करेंगे, संघर्ष की भी कोई बात नहीं है, डायलेक्टिकल की। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला था पहले थीसिस आएगी, थीसिस की फिर एंटीथीसिस आएगी, इन दोनों के बीच क्या होगा, यहाँ पे द्वंद होगा और उसके बाद सिंथेसिस आएगा, सिंथेसिस आएगा यानी बेस्ट विचार आएगा। तो यहां से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। स्पष्टीकरण संबंधी रिक्तियों से क्या तात्पर्य है, स्पष्टीकरण यानी जो आप स्पष्टीकरण करते हैं, स्पष्टीकरण संबंधी रिक्तियों से क्या तात्पर्य है, रिक्ति मतलब खाली खालीपन। जब किसी स्पष्टीकरण में अस्पष्टता होती है, यानी जो आपने स्पष्टीकरण दिया है किसी समस्या का, जब उसमें अस्पष्टता होती है, जब किसी स्पष्टीकरण में विभेद उजागर हो जाता है, यानी जो आपने स्पष्टीकरण दिया है उसमें ही कॉन्ट्राडिक्शन आपको देखने को मिल जाती है, जब किसी स्पष्टीकरण की अभिव्यक्ति में मतभेद होता है, यानी जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति में ही मतभेद हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन यहां पे लग रहे हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। यानी रिक्तियों का मतलब है स्पष्टीकरण में खालीपन आ जाएगा, यानी स्पष्टीकरण अच्छा नहीं है, जब स्पष्टीकरण में अस्पष्टता हो, विभेद उजागर होता है, या फिर अभिव्यक्ति में ही मतभेद होता है, दैट्स मीन ऑप्शन डी सही होगा। ऐतिहासिक विधि के प्रकार है, हिस्टोरिकल मेथड के कौन से प्रकार है, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक, ये जब हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च देखी थी, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड हमने देखी थी। हिस्टोरिकल के अंदर हमने दो चीजें रखी थी बेसिकली, ठीक है, दो चीजें रखी थी, बताइए हिस्टोरिकल में, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कौन सी थी, वो थी देखिए विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। विवरणात्मक हो सकती है लेकिन विश्लेषणात्मक इतिहास नहीं हो सकता है, सॉरी हाँ ये हो सकता है कुछ हद तक हम कह सकते हैं। ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं प्रलेखी, विद्यालय सर्वेक्षण एवं सामाजिक, सर्वेक्षण परीक्षा, प्रश्नावली सर्वेक्षण। देखिए ऐतिहासिक विधि का ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए से ही आंसर है। जिस चीज की हम केवल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, विवरण कर सकते हैं कि हाँ इतिहास में ये हुआ था, वो हुआ था, या फिर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता, जो हम सर्वे करते हैं सर्वे में कंट्रोल की आवश्यकता अत्यधिक होती है, आंशिक रूप से होती है, सामान्य है, बिल्कुल भी नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए हम जो सर्वे कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल वही रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के वोटिंग बिहेवियर के ऊपर सर्वे कर रहे हैं कि लोग किस चीज से प्रभावित होते हैं, किस चीज को आधार बना के वो वोट देते हैं। तो हम यहां पे देखिए सर्वे कर रहे हैं तो आंशिक रूप से हम नियंत्रण कर सकते हैं, हम उन्हें पूरा नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता आंशिक रूप में होती है। नियंत्रण आप क्या करोगे, आपका जो क्वेश्चनेयर होगा वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा, आपके जो क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं,
स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, दैट्स मीन जो रिसर्चर आंसर देगा वो इस स्ट्रक्चर के अंदर देगा, ऑप्शन एक दो तीन चार, चार में से एक ऑप्शन उसने चूज करना है, या फिर ओपन एंडेड हो सकते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड यानी खुले प्रश्न है, आपने प्रश्न पूछ लिया और उसका वो आंसर देगा, लेकिन यहां पे क्या है, क्वेश्चन तो आपने पहले से ही फ्रेम किए हुए हैं, आंसर वो जो मर्जी दे, दैट्स मीन आंशिक रूप से होती है, कुछ मामले में ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर हो सकते हैं, कुछ में क्लोज एंडेड हो सकते हैं, यानी जिसके ऑप्शन में ही उनको देना है एबीसीडी जो भी ऑप्शन दिया है, तो आंशिक रूप से होती है। बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित रहती है प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, सर्वेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। देखिए बाह्य एवं आंतरिक वैधता, आंतरिक और बाह्य वैधता बेसिकली कहां पे, ये एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड के अंदर यूज की जाती है। एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कोई घटना घट गई, कोई घटना घट चुकी है, अब उस घटना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बाह्य कारक उसमें क्या रहे, ये घटना कैसे घटी, या इंटरनल उसकी वैधता क्या है, उसका आंतरिक प्रभाव उसका क्या पड़ा, तो आंतरिक और बाह्य वैधता हमेशा उपस्थित रहती है एक्सपोस्ट फैक्टो यानी घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि न्यायदर्श, सैंपल, कंट्रोल एवं कंक्लूजन, न्यायदर्श नियंत्रण एवं निष्कर्ष वैधता संबंधी समस्याओं में से मुक्त रहती है, यानी इसमें सैंपल की जरूरत नहीं है, आप सैंपल नहीं लेते हैं यहां पे, आप कंट्रोल नहीं करते हैं चीजों को, और जो निष्कर्ष की वैधता संबंधी समस्याएं होती है वो उसमें नहीं रहती है, वो कौन सा मेथड है, तो डेफिनेटली आप सैंपल किसका लोगे, फॉर एग्जाम्पल चंगेज खां के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, सैंपल ले सकते हो आप करोगे क्या कंट्रोल, मुगल शासन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो किसको आप कंट्रोल करोगे, यानी मुगल शासन के जो कंक्लूजन निकले उसमें क्या समस्या रहेगी, भाई ये था वहां पे सिस्टम वो था, दैट्स मीन जो ऐतिहासिक विधि होती है उसमें सैंपल आप क्या लेंगे, नहीं ले सकते हैं, आप तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं किताबों के आधार पे या सोर्सेस के आधार पे। दार्शनिक विधि प्रयोगात्मक में तो डेफिनेटली प्रयोग में तो न्यायदर्श लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, दार्शनिक विधि में आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपने सिर्फ इस दर्शन की ही व्याख्या करनी है उसकी नहीं, ठीक है। सर्वेक्षण में तो डेफिनेटली आपका सैंपल रहता है, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। घटनोत्तर विधि का संबंध होता है, घटनोत्तर विधि पहले ही आपको बता चुका हूं, एक्स पोस्ट फैक्टो या फिर घटना के बाद जो रिसर्च की जाती है उसे घटनोत्तर विधि के तहत किया जाता है। इसका संबंध किसके साथ होता है, न्यायदर्श यानी सैंपल से, कंट्रोल से, निष्कर्ष संबंधी वैधता से, या उपरोक्त में से सभी से, या इनमें से सभी से। देखिए घटनोत्तर जो विधि होती है, घटना घट चुकी है तो उसके लिए आप एक सैंपल भी बना सकते हैं, न्यायदर्श भी आप बना सकते हैं, आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल आपने क्या करना है कि जो ये घटना घटी है, फॉर एग्जाम्पल एक दंगा हो गया, एक दंगा हुआ किसी कॉलेज के अंदर, ये दंगा हुआ, दंगा हो चुका है, लोग हॉस्पिटल में जा चुके हैं, तो आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे नियंत्रण करोगे, ये ग्रुप एक और ये ग्रुप दो, आप अलग अलग से कंट्रोल करोगे कि मेरा जो पक्ष है वो एक जो ग्रुप एक है उससे संबंधित है, तो मैंने ये कंट्रोल किया, मैंने यहां पे दो नहीं आने दिए, यहां पे पक्ष दूसरा पक्ष मैंने यहां पे नहीं आने दिया, इनको नियंत्रित करके मैंने दूसरी जगह रखा था ताकि ये इसके ऊपर प्रभाव ना डाले और ये इसके ऊपर प्रभाव ना डाले, दैट्स मीन हम यहां पे नियंत्रण कर सकते हैं, सैंपल हम ले सकते हैं, सैंपल यानी 1000 लोग प्रभावित हुए तो 1000 में से हमने 10 ही लोगों का यहाँ पे सैंपल लिया, यानी 10 ही लोगों के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछने हैं कि ये घटना कैसे घटी थी, ठीक है घटनोत्तर है तो घटना कैसे घटी थी, ये दंगा कैसे हुआ था, तो हम यहाँ सैंपल ले सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, दो ऑप्शन तो है, दैट्स मीन ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी निष्कर्ष संबंधी वैधता भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। न्यायदर्श नियंत्रण, न्यायदर्श नियंत्रण एवं निष्कर्ष वैधता के संदर्भ में कौन सी विधियां लगभग एक समान प्रकृति की है,
यानी किसमें न्यादर्श यानी सैंपल भी लिया जाता है। एक मिनट, ओके सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गई थी, कोई बात नहीं। वो कौन सी विधि है जिसमें सैंपल भी आता है, आप कंट्रोल भी कर सकते हैं चीजों को, और निष्कर्ष की वैधता के संदर्भ में लगभग एक जैसी विधियां आप यूज करते हैं, सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक, प्रयोगात्मक एवं घटनोत्तर विधि, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। और यहाँ पे देखिए, आपकी जो ऐतिहासिक विधि होती है और जो आपकी दार्शनिक विधि होती है, इन दोनों में लगभग समानताएं पाई जाती है, क्योंकि दर्शन जो होता है वो दिमाग की उपज है, दर्शन दिमाग की उपज है। किसी के दिमाग के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट कर लोगे आप, क्या सैंपल ले लोगे किसी के दर्शन का? आपने कार्ल मार्क्स के ऊपर रिसर्च करनी है, दार्शनिक विधि आप वहां पे यूज करोगे, या मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास की आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे दार्शनिक विधि आप यूज करोगे, वहां पे सैंपल नहीं ले सकते हो आपकी कितने लोगों ने क्या किया कैसे किया, दैट्स मीन यहाँ पे न्यायदर्श नहीं होता है आपका। आप कंट्रोल चीजों को नहीं कर सकते भाई, जो आइडियोलॉजी दे दी है, जो विचार दे दिया है, जो दर्शन दे दिया है, आप क्या कंट्रोल कर लोगे उसमें? और निष्कर्ष की जो वैधता होगी लगभग एक जैसी ही रहेगी, ऑप्शन बी। अब सर्वेक्षण में आप देखोगे, सर्वेक्षण में आप सर्वे करते हैं और प्रयोग में आप प्रयोग करते हैं। सर्वेक्षण आप फील्ड में जाके करते हैं, ठीक है, लोगों का सर्वेक्षण करते हैं, प्रयोग तो आप बाहर भी कर सकते हैं, प्रयोग आप लैब में भी कर सकते हैं, दैट्स मीन इनमें तो डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे प्रयोग आप करते हैं तो प्रयोग आप लेबोरेटरी में करते हैं, घटनोत्तर में क्या घटना घट चुकी है, ठीक है, यहाँ पे प्रयोग आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ तो घटना घट चुकी है, इस पे क्या कर लोगे आप? ठीक है, दैट्स मीन इसका ओनली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सर्वेक्षण विधि का संबंध रहता है, आपकी जो सर्वे मेथड होता है उसका संबंध किससे रहता है? उन अभ्यासों से जो निरंतर चालू है। आप सर्वे उन अभ्यासों का करते हैं जो निरंतर चालू रहते हैं, ऐसी प्रक्रियाएं जो अनवरत चल रही है, जो चली रही है। अब देखिए, दो चीजें एक जैसी यहां पे मिल गई है, यहां पे भी निरंतर की बात है, यहां पे भी निरंतर की बात है, ऐसे अनुभव जो किए जा रहे हैं, यानी ये भी चल रहा है। अब लॉजिकली अगर हम सोचते हैं तो लॉजिकली इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए, क्योंकि तीनों यहां पे कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, दैट्स मीन इसका आंसर एक्चुअल में भी ऑप्शन डी है। देखिए, हम सर्वे किस चीज का करते हैं? जो उन अभ्यासों का जो निरंतर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो सर्वे किया था वो किया था सोशल मीडिया का इंपैक्ट, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर कितना पड़ा, तो सर्वे उन्हीं चीजों का कर पाऊंगा ना जो हो रहा है। अगर सोशल मीडिया है ही नहीं, या फिर सोशल मीडिया बंद हो चुका है, तो अब क्या सर्वे करना है? चल रहा है, जो चीजें चल रही होती है, जैसे हमारा इलेक्शन चल रहा होता तो इलेक्शन सर्वे हम करते हैं। अब इलेक्शन 2014 का है, 2024 में थोड़ी हम उसका सर्वे कर पाएंगे। इलेक्शन जब चल रहा होता है, वो आपका प्री पोल हो सकता है, वो आपका पोस्ट पोल हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सर्वेक्षण विधि का संबंध एक्चुअल में जो चल रहा होता है उसका हम सर्वे कर सकते हैं। किसी अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को किसी बात को आंख बंद करके नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक उसके मन में अचानक कोई बात स्फुरित ना हो जाए। अब यहां पे रिसर्चर से रिलेटेड इन्होंने बात कही है, किसी बात को आंख बंद करके नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक उसके मन में अचानक, अब मन में अचानक बात आएगी। देखिए, मन में अचानक कोई बात नहीं आएगी, आप प्रतीक्षा करोगे ही नहीं, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाओगे, मन में अचानक कोई चीज आ गई जी, अच्छा हाँ ये हो सकता है, तब तक प्रतीक्षा करेंगे 10 साल बाद आप, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी बात पर आंख बंद करके उसे आजमाना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, बल्कि
आप प्रतीक्षा नहीं करोगे बल्कि उसको साइंटिफिकली चेक करोगे, तो ऑप्शन ए तो यहां पे बिल्कुल गलत है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, अगले ऑप्शन है कतिपय विशिष्ट उपक्षेत्रों में न्यून से न्यून के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए, यानी जो आपने रिसर्च टॉपिक लिया है उसके जो उपक्षेत्र होते हैं, उसके जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उसके छोटे से छोटे के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए रिसर्चर को। आपका जो टॉपिक है उसकी हर एक वेरिएबल की, हर एक पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उस क्षेत्र की हर बात की जानकारी होनी चाहिए और उसे बारीकियों से, यदि उसमें कोई बारीकियां हैं, यदि कोई हो, को जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए। कि ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है, दैट्स मीन सारे भी तो नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। बारीकियों की तो आपको पता होना चाहिए, यानी न्यून से न्यून यानी छोटे से छोटे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। परिवार के आकार तथा उसकी आय के संबंध का अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न आय वर्ग में बांटता है, जैसे मैंने बांटी थी, और फिर हर वर्ग से एक यादृच्छिक नमूना, रैंडम सैंपल लेता है। यह नमूना चयन की कौन सी विधि है? आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। परिवार के आकार और उसकी आय के संबंध में, फॉर एग्जाम्पल, ये एक परिवार है और इस परिवार में 10 मेंबर हैं, ठीक है, ये एक परिवार है और इसमें 10 मेंबर हैं, और अब मैं पता करना चाहता हूं कि ये जो परिवार है इसकी जो आय है वो कितनी है। उसको मैंने क्या कर दिया, जनसंख्या को विभिन्न आय वर्ग में बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जनसंख्या है, ये एक परिवार में 10 मेंबर हैं, मेरे यहाँ पे 10 परिवार हैं, और टोटल इसमें हो गए 100 मेंबर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पहले तो डिवाइड कर दूंगा, लाइक हाई इनकम, मीडियम इनकम या मिडल इनकम और लो इनकम, इसको तीन भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। और ये जो 100 लोग थे, 100 लोगों में से मैंने 10 लेने हैं, रैंडम लेने हैं। कैसे? पहला मैंने ले लिया 2 नंबर पे, दूसरा ले लिया मैंने 22 पे, फिर 32 पे। ये कौन सा तरीका है, यादृच्छिक यानी रैंडम सैंपलिंग मेथड, स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना, समूह नमूना, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी? और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसको आप एक बार अच्छे से समझिए। पहले हमने क्या किया, हमने परिवार के आकार और उसकी आय के संबंध में अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता ने क्या किया, जो उसकी जनसंख्या थी उसको विभिन्न आय वर्गों में बांट दिया। ये एक स्ट्रेटा हो गया, ये दूसरा स्ट्रेटा हो गया, ये तीसरा स्ट्रेटा हो गया, इन तीनों को अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। लेकिन वहां से हमने क्या किया कि हर वर्ग से हमने रैंडमली सैंपल लिया 10-10 लोगों का, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का एग्जाम्पल है। जैसे स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मैंने जो पूरी पॉपुलेशन है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 स्तरों में डिवाइड कर दिया, मेल और फीमेल में, ठीक है, एक स्तर मेल का है, दूसरा फीमेल का है। वैसे ही मैं पूरे देश की रिसर्च करना चाहता था और पूरे देश को मैंने 28 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया स्टेट के हिसाब से, तो वो भी स्ट्रेटिफाइड थी, ठीक है। लेकिन उसमें से जो मैं सैंपल लूंगा वो रैंडमली लूंगा। रैंडम सिंपल मेथड क्या है वो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। सामान्यतः एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं, एक जो अच्छी रिसर्च होती है उसके 4 चरण होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। प्रेक्षण की योजना बनाना, निष्कर्षों का निर्वाचन करना, उद्देश्य निर्धारित करना, प्रेक्षणों का विश्लेषण करना। देखिए, एक जो रिसर्च होती है उसके बेसिकली 8 स्टेप होते हैं, लेकिन 8 में से 4 यहां पे बताए हैं, ठीक है, आपको यहां पे बताने हैं इसको क्रम में, सही क्रम में आपको बताना है कि पहला कौन सा आए, पहले नंबर पे क्या करेंगे, दूसरे पे क्या करेंगे, तीसरे पे आप क्या करेंगे, चौथे पे आप क्या करेंगे, उस तरीके से आपको इसको बताना है। तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, ऑब्जेक्टिव हम निर्धारित कर लेते हैं सबसे पहले,
ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है वो हम डिसाइड कर लेंगे सबसे पहले, तो नंबर एक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, प्रेक्षण योजना बनाएंगे यानी रिसर्च डिजाइन हम बनाएंगे, तीन एक। उसके बाद हम करेंगे जो हमारा प्रेक्षण होता है, जो हमारा हमने जो मेथड यूज किया है उसका हम विश्लेषण करेंगे, और सबसे लास्ट में निष्कर्ष पे हम जाएंगे, दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन तीन एक, तीन एक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और उन उद्देश्यों के आधार पे हम क्या करते हैं, फिर रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो हम प्रेक्षण होते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं सबसे लास्ट में। घटना का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई घटना है, कोई घटना घटी है, उसका हमें फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करना है, उसका हमें फैक्चुअल प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण करना है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के लिए, घटना से जुड़े तथ्यों के प्रस्तुतिकरण के लिए क्या किया जाता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोग करेंगे हम, घटना घट चुकी है उसके तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करना है, क्या हम उस पर प्रयोग करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, उसमें हम अन्वेषणात्मक अनुसंधान यानी एक्सप्लोरेटरी मेथड वहां पे हम करेंगे या इनमें से कोई भी नहीं। घटना घट चुकी है और ये हम पहले भी देख चुके हैं, वर्णन कर सकते हैं हम, कोई घटना घट चुकी है उसके तथ्यों का हमने वर्णन करना है, दैट्स मीन वो वर्णनात्मक विधि कही जाएगी। घटना घट चुकी है, इसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, जग से पानी गिर चुका है, पानी ये सारा नीचे फैल चुका है, अब इसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर लेंगे हम, ठीक है, हम इसमें एक्सप्लोर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ओनली वर्णन कर सकते हैं घटना का कि जी ऐसे से घटना घटी, ऊपर से पत्थर आया, नीचे आदमी था, वो गिरा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और क्या कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान लचीला नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, कौन सी रिसर्च फ्लेक्सिबल नहीं होती है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, या इनमें से कोई भी नहीं, कौन सी रिसर्च लचीली नहीं होती है। देखिए अन्वेषणात्मक, जिसमें अन्वेषण हम करते हैं, अन्वेषण हम करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोरेटिव में हो सकता है ये पॉसिबल है, लेकिन जो आपका प्रयोगात्मक है, वर्णनात्मक में तो वर्णन कर सकते हैं, एक ने कार्ल मार्क्स का वर्णन ऐसे किया, दूसरे ने वैसे किया, तीसरे ने तैसे किया, जैसे मर्जी किया, तो वर्णन तो हम कर सकते हैं, अपने हिसाब से वर्णन कर सकते हैं, यहां तो फुल आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और अन्वेक्षण में आपका आप कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कंक्लूजन भी अलग आ सकते हैं, लेकिन जो जहां पे प्रयोग होता है, प्रयोग में कोई लचीलापन नहीं है। एक आदमी ने प्रयोग किया, पहाड़ों पे पानी 100 डिग्री पे उबलता है, दूसरे आदमी ने किया, पहाड़ों पे पानी 100 डिग्री पे उबलता है या नहीं उबलता है, उसके लिए जो भी उसने रिसोर्स मेथड यूज किया था, आग उसने कौन सी यूज की थी, कितने टाइम उसने आग जलाई, दैट्स मीन यहाँ पे प्रयोगों में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो प्रयोग होना है वो होना ही होना है, ठीक है, और वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। वर्णनात्मक अनुसंधान यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सबसे पहले क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सबसे पहले क्या किया जाता है, नियमों का निर्माण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, ए और बी दोनों या कोई नहीं। अब सबसे पहले तो एक चीज की जाएगी, सबसे पहले तो एक चीज की जाएगी, अब दोनों साथ में थोड़ी कर लेंगे हम, सबसे पहले बोला है तो एक ही चीज करेंगे हम, ऑप्शन डी यहां पे होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते हैं, नियमों का निर्माण तो सबसे लास्ट में होगा जब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर, या आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, या फिर कोई और मेथड में यूज करूं, आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे या फिर आप लिख नहीं पा रहे हो कमेंट, बताएं प्लीज। अनुसंधान आधारित होते हैं, रिसर्च किसके ऊपर आधारित होती है, वैज्ञानिक विधि पर, प्रयोगों पर, वैज्ञानिक के ऊपर यानी साइंटिस्ट के ऊपर,
सामान्य नियमों के ऊपर। और इसका आंसर दीजिए, हम लोग अभी तक तीसरी बार इस क्वेश्चन को काउंटर कर चुके हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। रिसर्च किसके ऊपर आधारित होती है, वैज्ञानिक के ऊपर तो नहीं होती है, ये तो मैं यहां पे यहीं पे काट देता हूं। प्रयोगों के ऊपर होती है, सामान्य नियमों पे होती है, या वैज्ञानिक विधि पे होती है, सामान्य नियमों पे भी नहीं होती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, ठीक है, मतलब आपको आवाज आ रही है, ठीक है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित होती है, तीसरी बार हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। यदि एक सामान्य व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के प्रयोग एवं प्रेक्षण करता है, अनेक प्रकार के वो एक्सपेरिमेंट करता है और प्रयोग करता है, तथा उसी आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करता है, इस रूप में उस व्यक्ति को हम क्या मानेंगे? डेली वो क्या करता है, अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के वो एक्सपेरिमेंट करता है, उस आधार पर हम, उस आधार पे वो निष्कर्ष भी निकालता है, इसे हम क्या कहेंगे? एक वैज्ञानिक, एक श्रेष्ठ नागरिक, एक बौद्धिक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, हम उसे क्या कहेंगे? तो बेसिकली है तो वो रिसर्चर, क्योंकि वो डेली ये काम कर रहा है, लेकिन हम उसे वैज्ञानिक तो नहीं मानेंगे, घर में बैठा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, इसे एक सामान्य व्यक्ति ही हम मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दैनिक जीवन के प्रेक्षण कर रहा है, काम कर रहा है। दैनिक जीवन में क्या कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, उसने चावल डाले उबालने के लिए, एक दिन उसने एक गिलास डाला, तो फिर उसने उसका ऑब्जर्वेशन किया, एक गिलास से क्या हुआ, अगले दिन वो 1.5 गिलास डाल देता है, अगले दिन 2 डाल देता है, 4 गिलास डालने से क्या होगा? वैसे ही कभी दालों पर कर रहा है, कभी बर्तन पे कर रहा है, कभी किसी चीज पे कर रहा है, तो वैज्ञानिक तो नहीं होगा वो, डेफिनेटली नहीं होगा, घर में वो काम कर रहा है, सामान्य नागरिक हम मान सकते हैं उसको, श्रेष्ठ नागरिक का कोई लेना देना नहीं है, और बौद्धिक व्यक्ति का भी कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल चीजें तो बच्चे भी करते हैं एक्सपेरिमेंट। यदि आप एक भूल करने के बाद उसकी पुनः पुनरावृत्ति करते आ रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपसे एक भूल हुई, गलती हुई आपसे, अगली बार भी आपने वही गलती दोहरा ली, आपको क्या कहेंगे? श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता, बेस्ट रिसर्चर, उत्तम भूल करता यानी जो बार बार भूल जाता है, बेवकूफ, या सामान्य? या सामान्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, आपको बेवकूफ कहा जाएगा। एक बार आपको पता लगा कि दीवार पे सिर मारने से सिर में दर्द होती है, सिर फट भी सकता है, आपने एक बार मारा, दूसरे दिन आप फिर मारा, तीसरे दिन फिर मार रहे हैं दीवार पे सिर, आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों मेरे सिर में दर्द है, आपको बेवकूफ कहा जाएगा। यदि एक समस्या के समाधान एवं प्राप्त परिणामों की विवेचना के लिए आप वैज्ञानिक पदावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया कही जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? आप एक समस्या के समाधान के लिए, आपने कोई एक रिसर्च टॉपिक लिया है, उसके सॉल्यूशन के लिए, समाधान एवं प्राप्त परिणामों की विवेचना के लिए आप वैज्ञानिक पदावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया वैज्ञानिक कहलाएगी। स्वांत सुखाए, उद्देश्य पूरक, या इनमें से कोई भी नहीं। और आंसर क्वेश्चन में ही छुपा है, लॉजिकल है। तो जब आप वैज्ञानिक पदावली किसी समस्या के निवारण के लिए करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक पदावली आप, मेथड आप यूज कर रहे हैं। अनुसंधान के मूल्यों का ह्रास हो जाता है, रिसर्च के वैल्यूज का डिक्लाइन हो जाता है, जबकि एक अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप में स्वीकार कर लेता है, यानी एक जो रिसर्च करता है वो जो उसने कल्पना की थी, काल्पनिक, जो तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं था, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अनुसंधानकर्ता भ्रांतियों का शिकार हो जाता है। देखिए, दो चीजें यहां पे सही लग रही है, अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप में स्वीकार कर लेता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रिसर्च के वैल्यू का डिक्लाइन होगा जब आप ये तीनों चीजें करेंगे, तो खराब हो जाएगी आपकी रिसर्च। यदि एक शोधकर्ता व्यक्तिनिष्ठ ढंग से अनुसंधान कार्य में संलग्न है, तो उसका परिणाम क्या होगा? व्यक्तिनिष्ठ, दो तरीके की चीजें होती है रिसर्च में, हमेशा क्या चलता है, रिसर्च में हमेशा वस्तुनिष्ठ की बात की जाती है। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी ऐसा ट्रुथ जो कि पूरी दुनिया में मान्य है,
व्यक्तिनिष्ठ का मतलब कि सब्जेक्टिव, आप तक ही वो सीमित है, आपने क्या निष्कर्ष निकाला ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं, यदि एक शोधकर्ता व्यक्तिनिष्ठ ढंग से रिसर्च कार्य में संलग्न है, रिसर्च कार्य वो कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा? अशुद्ध अनुसंधान प्रदत्त संकलन, यानी जो वो रिसर्च डेटा है उसको वो अशुद्ध तरीके से संकलित करेगा, अशुद्ध उपकरण चयन, यानी वो जो उपकरण यूज करेगा डाटा कलेक्शन के वो भी अशुद्ध हो सकते हैं, अशुद्ध लक्ष्य निर्माण, यानी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च के, वो भी गलत हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं, या इसमें से सभी, या इसमें से सभी। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर सब्जेक्टिविटी आ जाती है तो सब्जेक्टिविटी में हमेशा अशुद्ध उसकी रिसर्च मानी जाएगी, ठीक है, खराब उसकी रिसर्च मानी जाएगी। यानी रिसर्च को हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ कभी भी नहीं। अगर व्यक्तिनिष्ठ है तो वो खराब है। अनुसंधान आंखों पर पट्टी बांध के नहीं किया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? कानून अंधा है क्या? वो है, देखिए, अनुसंधान आंखों पर पट्टी रख के नहीं किया जाना चाहिए, यानी आपको फैक्ट देखने पड़ेंगे। अनुसंधान सदैव व्यक्तिगत दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहिए, अनुसंधान सभी प्रकार के व्यक्तिगत प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, अनुसंधान सदैव स्वविचारों से पृथक होना चाहिए, यानी अपने विचारों से पृथक होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से पृथक होना चाहिए, या सभी। और यहां पे देखिए लॉजिकली आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपने ऐसा अगर पहले नहीं भी पढ़ा है तो भी करेक्ट आंसर आप दोगे, ऑप्शन डी इसका सही है। यानी सदैव व्यक्तिगत दुर्बलताएं उसमें नहीं आनी चाहिए, उसमें पूर्वाग्रह नहीं आने चाहिए, उसमें व्यक्तिगत प्रभाव नहीं आने चाहिए, इसका मतलब यही हुआ आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी। लॉजिकली आपने काम करना है, साइंटिफिकली। प्रायः कुछ शोध छात्र सोचते हैं कि यदि अपने डिसर्टेशन यानी लघु शोध संग्रह को थोड़ा आकार प्रकार से बढ़ा दे तो वो पीएचडी उपाधि के लिए अनुकूल हो जाएगा, और ये डेफिनेटली सोचते हैं। मैंने खुद देखे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 400 पेजेस में अपनी रिसर्च लिखेंगे, कुछ सोचते कि 500 में लिख दी तो फिर तो वही बल्ले बल्ले हो गई, और कुछ ने 150 में लिखी तो उसका मजाक उड़ाएंगे, 100 पेजेस में लिखी तो उसका मजाक उड़ाएंगे। ये वास्तविकता है आज के टाइम की। दैट्स मीन क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं क्यों सोचते हैं ऐसा। अनुसंधानकर्ता की भ्रांति का, यानी उन्हें एक भ्रांति है कि अच्छे ज्यादा पेजेस में लिखने से बढ़िया काम हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता की कृपणता का, अनुसंधानकर्ता की सच्चाई का, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुकूल हो जाएगा, किसके अनुकूल हो जाएगा अगर पेज ज्यादा बढ़ा दिया जाए, किसके अनुकूल हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी यह अनुसंधानकर्ता की एक भ्रांति है कि अगर मैंने 400 पेजेस में रिसर्च लिखी है तो अच्छी है, और किसी ने अगर 100 में लिखी है तो वो खराब है। देखिए इसका लॉजिकली आंसर क्या होगा सही। देखिए एक रिसर्च हो सकता है 50 पेजेस में की गई है, एक रिसर्च पीएचडी की रिसर्च, लेकिन वो तथ्यात्मक है और उसने एक ऐसा फैक्ट सामने लाया है 50 पेजेस के अंदर ही जो कि 400 में भी नहीं ला पाया, तो 50 वाली यहां पे बेस्ट मानी जाएगी। पेजेस का यहां पे कोई लेना देना नहीं होता, ये अनुसंधानकर्ता की एक भ्रांति होती है, मन का बहम होता है उसका कि इतना लिख दिया मैंने तो बहुत बढ़िया हो गया। अनुसंधान में नैतिक परक मूल्यों का समावेश करने के लिए अनिवार्य है। अनुसंधान में, रिसर्च में अगर हम एथिक्स को लाना चाहते हैं, नैतिक परक मूल्यों का समावेश करना चाहते हैं, तो क्या अनिवार्य है? अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के अनुकूल हो रिसर्च, अनुसंधानकर्ता में परिपक्वता का यानी मैच्योरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्र रूप से कार्य करवाने का अवसर प्रदान करें, यानी जो रिसर्च करने वाला है उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करवाने का अवसर प्रदान करें, या इनमें से कोई भी नहीं। आप क्या है, नैतिक परक मूल्य लाना चाहते हैं, नैतिक परक मूल्य लाना चाहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगर आप नैतिक परक मूल्यों से रिसर्च करवाना चाहते हैं तो आप रिसर्चर पे जबरदस्ती कोई टॉपिक ना थोपे, उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको टॉपिक दें और जितना वो कर पाए। दैट्स मीन अगर योग्यताओं से बाहर कोई टॉपिक किसी रिसर्चर ने ले लिया तो डेफिनेटली वो इधर उधर ताक झांक करेगा, इधर से वो प्लेजरिज्म करेगा, इसका विचार उठाएगा, उसका विचार उठाएगा, और वो नैतिक रिसर्चर
रिसर्च नहीं कर पाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यदि अनुसंधानकर्ता में सामाजिक परिवेश को प्रदत्तों के रूप में एकत्रित कर पाने का गुण नहीं है तो ऐसा अनुसंधान कोई एक रिसर्चर है। रिसर्चर में सोशल एनवायरनमेंट में जाकर वो डेटा को इकट्ठा नहीं कर पाता है। एक रिसर्चर है वो सोशल परिवेश में जाके डेटा के रूप में इकट्ठा नहीं कर पाता है, उसमें ऐसा गुण नहीं है कि वो समाज में जाके डेटा को इकट्ठा कर पाए, तो ऐसा अनुसंधान शुद्ध अनुसंधान नहीं होगा, अतार्किक होगा, विकृत होगा या इनमें से सभी। देखिए अतार्किक हम नहीं कह सकते हैं, वो फील्ड में जाके सोसाइटी में जाके डेटा नहीं ले पाया है, दैट्स मीन इसका ऑप्शन ए ही होगा। विकृत वो नहीं हो सकता, उसे विकृत नहीं कह सकते हैं। शुद्ध अनुसंधान वो नहीं होगा क्योंकि हमने एक्चुअल डाटा सोसाइटी से नहीं लिया है, आपके पास वो गुण ही नहीं था, आप लोगों से इंटरव्यू कर ही नहीं पाते थे, आपने लोगों से क्वेश्चन पूछे ही नहीं, साक्षात्कार आपने किया ही नहीं, दैट्स मीन वो एक अशुद्ध शुद्ध अनुसंधान वो नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अनुसंधान के प्रमुख भाग कौन से हैं? मुख पृष्ठ, धड़ तथा पश्च भाग। मुख पृष्ठ प्रमुख शरीर, मुख पृष्ठ पृच्छ भाग, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे ये आपका हो गया मेन पेज या फिर मेन पार्ट आपका, फिर उसके नीचे आपका आ गया धड़। धड़ यानी ये जो आपकी मेन बॉडी, ये मेन पेज आ गया, मेन के बाद आपका धड़ आ गया जो आपकी मेन बॉडी जिसे कहा जाता है, और पश्च भाग जिसे कंक्लूजन कहा जाता है, कंक्लूजन। तो ये तीन भाग है, मेन पेज, मेन बॉडी और कंक्लूजन, दैट्स मीन मुख पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, धड़ तथा पश्च भाग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुसंधान प्रारूप का मध्य भाग तैयार करता है, रिसर्च डिजाइन का मध्य भाग तैयार करता है, रिसर्च डिजाइन का जो मिडल पार्ट होता है वो क्या तैयार करता है? अनुसंधान प्रारूप के प्रमुख भाग को, मध्य भाग है ये, प्रमुख भाग को, अनुसंधान प्रारूप के संपूर्ण भाग को, अनुसंधान के आंशिक भाग को, अनुसंधान के आंशिक भाग को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुसंधान प्रारूप के प्रमुख भाग को। ठीक है, कैसे? अब यहां पे देखिए हमने क्या बताया था आपको, ये पहले वाला है मेन पेज, और ये जो धड़ है, धड़ में आपकी मेन बॉडी आ जाएगी जो भी आपकी रिसर्च होगी, और पश्चिम में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो मिडल में क्या है आपकी मेन बॉडी, यानी मध्य भाग क्या तैयार करता है? प्रमुख भाग को, मध्य भाग मेन बॉडी होती है, ये प्रमुख भाग को तैयार करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुसंधान प्रारूप की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है रिसर्च डिजाइन की जो बेसिक्स होती है, जो प्राथमिकताएं होती है, उनमें क्या सम्मिलित है? रिसर्च डिजाइन में मुख पृष्ठ होना चाहिए, विषय वस्तु सारणी होनी चाहिए, तालिका सूची, केवल शब्द है यहां पे, मुख पृष्ठ एवं पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र केवल, मुख पृष्ठ एवं ग्राफ सूची केवल, या इनमें से कोई भी नहीं। आपका एक आ गया आपका मेन पेज, ये आ गया आपकी विषय वस्तु सारणी या तालिका और सूची, नो इसमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इसका सही होगा, इसमें से कोई भी नहीं। अनुसंधान प्रारूप की उपमा मानव शरीर से दी जाती है, वो हमने भी देख लिया है, मुख पृष्ठ, धड़ और पश्चपाट, बिल्कुल सही। अनुसंधान प्रारूप की उपमा मानव शरीर से दी जाती है, ये बिल्कुल सही है, जिसमें उसके विभिन्न भागों में विभिन्नता के बावजूद होना आवश्यकता है। यानी विभिन्न भाग अलग अलग है, विभिन्न भाग अलग अलग है, लेकिन उनका होना भी जरूरी है, आवश्यकता है।
किसकी आवश्यकता है? एकरूपता की, समता की, कार्यात्मक सत्यता की, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आपकी ये मेन पार्ट है, ये आपका मेन पेज है, ये आपकी बॉडी है और ये कंक्लूजन है। इनमें कार्यात्मक सत्यता होनी चाहिए, इसमें फंक्शनल रियलिटी होनी चाहिए, यानी जो चीज आपने भूमिका के अंदर बताई है, मुख पृष्ठ के अंदर जो भूमिका के अंदर जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, उसी की बात आप मेन पेज में करेंगे, मेन बॉडी में करेंगे, और उसी की बात आप कंक्लूजन में करेंगे। दैट्स मीन इन तीनों में क्या है, कार्यात्मक सत्यता होनी चाहिए, कार्यात्मक फंक्शनल यूनिटी इनमें होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अनुसंधान ग्रंथ को किसी उपाधि अथवा अन्य उद्देश्यों से प्रस्तुत करने पर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। आप रिसर्च थीसिस लिखते हैं, रिसर्च थीसिस को किसी उपाधि, जैसे आप पीएचडी की उपाधि ले रहे हैं, या अन्य उद्देश्यों से प्रस्तुत करने पर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र यानी रिसर्च सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाता है, उक्त कार्यों का गुणगान करने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उक्त कार्यों को बंधन मुक्त बनाने के लिए, उक्त कार्य की प्रमाणिकता पुष्टि करने के लिए। तो सर्टिफिकेट वाला हमने देखा था, सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है, गाइड सर्टिफिकेट में लिखता है कि ये जो कार्य है, ये जो रिसर्च है, ये मेरे निर्देशन में किया गया है, मेरे नॉलेज के अनुसार ये अच्छा कार्य है और ये तथ्यों के ऊपर आधारित है। दैट्स मीन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है, ताकि उसकी प्रमाणिकता की पुष्टि की जाए कि वो अच्छा कार्य है, वैलिडिटी उसकी सही है। शोध ग्रंथ में प्राकथन का महत्व क्या है? प्राकथन कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, कृतज्ञता के ऋण से मुक्त होने के लिए, परिवार वालों के आशीर्वाद के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। और ये भी हमने पढ़ लिया है, हमने एक एक चीज को पढ़ा है पहले, ठीक है। और देखिए जो प्राकथन होता है, इसको एक्नोलेजमेंट कहा जाता है, और एक्नोलेजमेंट में आप क्या करते हैं, प्राकथन में आप क्या करते हैं, आपके दोस्तों से आपने कोई डेटा लिया है, आपने लाइब्रेरी से लिया है, आप अपने टीचर, अपने सुपरवाइजर, अपने जिन्होंने भी आपको शोध में मदद की है, उनके लिए आप क्या करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि इन इन लोगों का मैं धन्यवादी ही ऋणी हूं, इनके मदद से ही ये काम हो पाया है, तो हम मुक्त नहीं होना चाहते उससे, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। शोध प्राकथन के शब्द होने चाहिए बहुअर्थी, संवेग युक्त, सधे हुए, सतर्क एवं विनीत। देखिए विनीत शब्द है यहाँ पे, और ऑप्शन डी या सभी, ऑप्शन डी या सभी। अब यहां पे आप देखोगे बहुअर्थी, यानी जैसे बोलते हैं ना कि ये तो दो प्रकार की बातें कर रहा है, जिसके दो डुअल मीनिंग बातें कर रहा है, तो बहुअर्थी तो देखिए कभी होने ही नहीं चाहिए, रिसर्च में बहुअर्थ का कोई मतलब नहीं है, एक ही अर्थ निकलना चाहिए कंक्लूसिव, तो ये यहां पे नहीं है, दैट्स मीन ऑप्शन डी नहीं होगा। और यहां पे विनीत, यानी जब आप प्राकथन लिखते हैं, एक्नोलेजमेंट आप देते हैं, आप बहुत ही विनीत होके, विनम्र होके लिखते हैं कि मैं बहुत ही धन्यवाद हूं, आपके बिना ये काम होना ही नहीं था, विनीत है, सतर्क और सधे हुए होने चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शोध प्राथमिकी का अवमूल्यन हो जाएगा यदि आप, जो आपका रिसर्च पेपर है, सॉरी रिसर्च प्रपोजल है, उसका अवमूल्यन हो जाएगा यदि आप यहां किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ढंग से महत्व देंगे तथा महिमा मंडित करेंगे। ये प्राथमिकी एक बार देखना पड़ेगा, ये प्रपोजल ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई अर्थ कई बार निकल जाते हैं, एक ही चीज का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो उसको वेरीफाई करना जरूरी होता है। ये है प्राथमिकी, हाँ प्राथमिकी को कहा जाता है FIR, प्राथमिकी को बेसिकली FIR कहा जाता है, तो इसको रिसर्च में देखते हैं, रिसर्च में क्या कहा जाता है। प्राथमिकी, हाँ इसको प्रपोजल ही कहा जाएगा। तो अब देखते हैं अवमूल्यन इसका कैसे हो जाएगा, यहां किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ढंग से अगर हम महिमा मंडित करते हैं, यहां सभी परोक्ष अपरोक्ष लाभकारी व्यक्तियों के प्रति लगभग एक समान रूप से हम सहृदयी बने रहेंगे, यहां व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत संबंधों
की दृष्टि से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए शोध प्राथमिकी यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ से बाहर है चीज। शोध प्राथमिकी ये किस चीज को बोल रहे हैं, या प्राथमिकी ये प्राकथन को बोल रहे हैं तो ये एक्नोलेजमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन के आधार पे ये लग रहा है कि एक्नोलेजमेंट की बात कर रहे हैं, एक्नोलेजमेंट की बात कर रहे हैं प्राथमिकी यानी प्राकथन। ये प्राकथन शब्द को यहाँ पे प्राथमिकी लिखा है, गलती से लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे प्राथमिकी नहीं है, ये प्राकथन है इस चीज को। अब देखिए शोध प्राकथन का अवमूल्यन कैसे हो जाएगा, उसमें गिरावट कैसे आएगी, अब ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है क्वेश्चन, अब बिल्कुल क्लियर है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर हम किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ढंग से महत्व देंगे या महिमा मंडित करेंगे, हमने क्या कर दिया रिसर्च पेपर में कि मैं भगवान का धन्यवादी हूं कि आपके जैसा मुझे गाइड मिला, मैं तो युगों युगों तक आपका ऋणी रहूंगा। इस तरीके से अगर आप महिमा मंडित करके किसी चीज को लिखेंगे तो उससे अवमूल्यन हो जाएगा, उसमें ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पूरी चमचागिरी कर रहा है, ठीक है, तो वहां से क्या है अवमूल्यन हो जाएगा। यहां सभी परोक्ष अपरोक्ष में लाभकारी व्यक्तियों के प्रति लगभग एक समान रूप से आप मतलब आपके रिसर्च सुपरवाइजर के लिए भी वैसे ही बात करेंगे, लाइब्रेरी के लिए भी, सब चीज के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, अनुसंधान ग्रंथ की सुंदरता में वृद्धि की जा सकती है, जो हम रिसर्च थीसिस लिखते हैं उसकी सुंदरता में कैसे वृद्धि की जा सकती है। उच्चतम स्तर का टंकण यानी जो आप टाइपिंग करेंगे वो बेस्ट लेवल की करेंगे, या प्रिंटिंग जो आप करेंगे बेस्ट लेवल की होगी। सुंदर चित्र एवं व्यवस्थित ग्राफ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया उसमें हम ग्राफ लगाएंगे या उसमें चित्र लगाएंगे। उत्तम जिल्द एवं मुखपृष्ठ, हम बेस्ट तरीके से उसमें जिल्द लगाएंगे, जो पेपर बैक रहेगा या फिर जो हार्ड बाइंडिंग रहेगी वो बेस्ट तरीके से हम रखेंगे, या इन सभी कथनों के द्वारा सुंदरता को आप थीसिस की कैसे बढ़ाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी, यानी हम टाइपिंग ऐसे नहीं जाएंगे, मतलब प्रिंटिंग ऐसे कर दिया कि कोई शब्द दिख ही नहीं रहा है, तो अच्छे ग्राफ और चित्र हम यूज करेंगे और बेस्ट हम उसमें जिल्द और मुख्य पृष्ठ यूज करेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों रिसर्च है, इतना आसान भी ये टॉपिक नहीं है, इसमें लाइक प्रैक्टिस ये मांगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ये एक प्रकार का टॉपिक है, ठीक है, प्रैक्टिकल आपकी यूनिट है, आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आप इसमें अच्छा कर पाओगे और पेपर के अंदर आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे।